जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो आज हम आए हैं अपने बाल संस्कार शाला में, जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो यहां पर भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों में गजब का उत्साह है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने वीर योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई है, उम्र में ही इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसा भी बेड़ा है जिनकी कुर्बानियां तो अधिक हैं, लेकिन उनके नाम कुछ के ही याद है, वो है इंडियन आर्मी। देश की आजादी से पहले भी देखा जाए या बाद में भी देखा जाए, इंडियन आर्मी ने बहुत संघर्ष कर रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। दिस इज द रिटन इन द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड इट इज द रिटन इन द स्टोरी ऑफ वॉरफेयर। उनका एक ही सोच है और एक ही तमन्ना रहता है कि जब आए दुश्मन का सैलाब, जब आए दुश्मन का सैलाब, तो मेरे खून से इनकलाब लिख देना। जब आए दुश्मन का सैलाब, तो मेरे खून से इनकलाब लिख देना। भारत माँ का बेटा हूँ, जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितना भी लहू था बहा दिया इस वतन के वास्ते, जितना भी लहू था बहा दिया इस वतन के वास्ते, एक भी कतरा नहीं रहने दिया अपने तन के वास्ते। अरे मरते तो सब हैं और मौत आती है सबको, लेकिन मौत वही है जो आए इस वतन के वास्ते। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए वो वाला था। जय हिंद जय भारत।
के बाद अब कृष्णा कुमार आएंगे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। नई पानी है जो देश के काम ना वो बेकार जवानी है। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जान से प्यारी है, कहते इसे मातृभूमि है, प्यारी धरती हमारी, अलग अलग धर्मों में भी यह एकता समाई है। धन्यवाद। खुशी कुमारी आएंगी और साथ में रागनी भी रहेंगी अपना। मेरे प्यारे वतन तुझको सब सतनामन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है नहका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। गौरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी, इस मिट्टी की लाज बचाने हो गई वो कुर्बान, मर्दानी कहलाई है वीर गति पाई है, मर्दानी कहलाई है वीर गति पाई है, जिनके ही दम से है नहका ये वतन, ऐसे सौ सौ बार नमन। सुखदे भगत सिंह थे राजगुरु हटके, हंस के जो फांसी के फंदे पे लटके, लाखों और हजारों ने खून को बहाया है, तब जाके हमने फिर आजादी को पाया है। धन्यवाद। धन के नाम पर ना मरे, धन के नाम पर बस ये वतन के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त का दिन है और 76 साल हमारे देश का आज़ादी का हो गया। आज 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हम लोग 77वां बना रहे हैं उसका, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसे, देश के बारे में आप लोग को पता ही है कि आज़ादी तो ऐसी नहीं मिली है, बहुत संघर्षों के बाद ही मिली है। 1857 से ही 1764 का जो बक्सर युद्ध है, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हम पे हो गया, अधिकार हो गया पूर्ण रूप से, उसके बाद तक संघर्ष चलता रहा। और बस यही कहेंगे अपने देश के लिए कि जहाँ पर कुछ नहीं चलती वहाँ पर नैन से धार चलती है, जहाँ पर कुछ नहीं चलती वहाँ पर नैन से धार चलती है, अगर फिर भी किसी के मौन को छोड़ता है जालिम तो वहाँ बेबसी की हाथों तलवार चलती है। और ज़्यादा ज़्यादा बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी इस कुर्बानी को समझें, कुर्बानियों को व्यर्थ ना जाने दें, देश के लिए कुछ करें, क्योंकि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, मरने के बाद हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उस अस्थियों से एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और काम कर देना, अगर मैं मर गया तो मेरे लिए एक काम कर देना और हमारे लहू से हमारे सर पर हिंदुस्तान लिख देना। भाइयों और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। आज हम इस शुभ अवसर पर जश्न मनाने के लिए यहां हैं। 1947 में यही दिन था जब हमें आज़ादी मिली थी, हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। हम भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़े और हमें सुख शांति से भरा देश दिया। जो शांतिपूर्ण जीवन आज हम जी रहे हैं बस उन्हीं के बलिदान के कारण है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य महान नेताओं ने राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। धन्यवाद। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे एज वी डू डैट। तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि सारी किताब जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं,
जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामना। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये हमें मुफ्त में नहीं मिली है, इसकी हमने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। और जो व्यक्ति जो सेनानी उस समय रहे होंगे वही इस अवसर को इस भावना को महसूस कर सकते हैं। हम लोग केवल इतिहास पढ़कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ही जाहिर कर सकते हैं। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्यों ना हम एक प्रण लें, क्यों ना हम अपने आदत में कुछ ऐसी भावनाओं को शुमार करें, हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा कोई एक काम परमार्थ के लिए होगा, स्वार्थ के लिए नहीं, हम समाज के लिए कुछ करें और निस्वार्थ भावना से। जैसे कुछ उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे अगर हम वृक्ष लगाते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं आप लोग, जैसे वृक्ष लगाते हैं उससे केवल आपका फायदा नहीं है, पूरे समाज का फायदा है। अगर आप भोजन बर्बाद नहीं करते हैं, थाली में नाली में अन्न को नहीं बहाते, उससे देश के किसानों की समृद्धि होगी, अनाज बर्बाद नहीं होगा। और अगर आप कचरा इधर उधर नहीं फैलाते हैं तो देश को साफ रखने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी आदतों के द्वारा आप भी देश को आगे ले जा सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। जब एक फौजी सीमा पे लड़ने जाता है तो केवल वो फौजी नहीं जाता, उसके साथ उसका पूरा परिवार त्याग करता है। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको। धन्यवाद। भारत माता की। दोस्तों ये सब हमारे BSS के भाई लोग हैं, इन्होंने काफी मेहनत से आज सुबह से ही आकर के ये सारा यहाँ पे डेकोरेशन जो आप लोग देख रहे हैं, मेहनत का फल ये मेहनत का फल देखिए प्रद्योन भैया खा रहे हैं। तो काफी अच्छा आयोजन हुआ यहाँ पे, काफी बच्चों ने भी काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया है और ये सारे भाई लोग सुबह से ही अथक परिश्रम कर रहे हैं। इन सभी के लिए काफी अच्छा, आप लोग को भी लाइक और शेयर दबा के करें इसको, ठीक है, इस चैनल को। ये यात्री परिवार से हर जुड़ी बात इस पर आपको मिलेगी और कुछ अच्छा चीज सीखने को आपको मिलेगा। प्लीज लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।